सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। सो मैं अभी कॉलेज जा ही रहा था तो मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम पड़ा है तो मैं आपको थोड़ी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्ट्रगल इन कनाडा कैसी है, रियलिटी कैसी है कनाडा की, जो हमें दिखाया जाता है और उससे लाख गुना मतलब बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कंसेप्ट आता है कि इंडिया में बैठे लोगों को ये लगता है कि जो कनाडा स्टूडेंट आ जाता है उसकी लाइफ बन जाती है। इट्स वेरी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है ये चीज़। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई बंदा आता है उसकी लाइफ में स्ट्रगल आनी स्टार्ट हो जाती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अकोमोडेशन ढूंढना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुश्किल भी है। बाई चांस एयरपोर्ट पिकअप नहीं होता कईयों का। एयरपोर्ट पिकअप इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, तो उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू मी यही रीज़न है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनकी जर्नी जो स्टार्ट होने वाली है स्ट्रगल वाली, वो स्टार्ट हो जाती वहीं से अकोमोडेशन का। सेकंड बात करते हैं अकोमोडेशन के बाद, ग्रोसरी हो गया, रजिस्ट्रेशन कराना हो गया, बहुत सारी जगह घूमना हो गया, चले जाना हो गया, ठीक है, ये सारे आ जाता है। और इंडिया में लोग सोचते हैं कि कितने डॉलर्स कमाता है। अगर मैं कहूँगा मैं 800 डॉलर्स कमाता हूँ, कहते हैं या 40,000 रुपीज़ तू महीने में कमा रहे हैं, यहाँ पे तो मेरी 10,000 सैलरी है, मैं ये नहीं कमा सकता, ठीक है। सेकंड ये बात है, यहाँ पे एक्सपेंस जो है अगर आप पर पर्सन लगा सकते हो, मंथली जो एक्सपेंस होता है वो 35,000 रुपीज़ होता है। यस आई गेस 35,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में होता है। और वो 35,000 रुपीज़ जो GIC के पैसे आते हैं, 5.5 लाख रुपए जमा कराए होते हैं, वो मंथली आते रहते हैं। अगर वो GIC ना होती तो वो 35,000 रुपीज़ जो आपको मिलते हैं ना, हमें जो मिलते हैं स्टूडेंट्स को, हमारा जीना आराम हो जाता, क्योंकि हमें एक्सपेंस भी निकालना है एज वेल एज़ फ़ीस भी निकालनी है। जो थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस है मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, $7,200 है, मीन्स 35,000 3.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख रुपए से लेके 3,80,000 लगा के चलो, ठीक है, $7,200 है मेरी हमारी फ़ीस। तो कनाडा में जो लाइफस्टाइल है, लाइफ में इसलिए बता रहा हूँ आपको, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है कनाडा में। गैस ये ना सोचना कि अगर एक बार आप कनाडा लैंड हो गए आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लोगों को 3-4 साल लग जाते हैं सक्सेसफुल होने में। हो जाते हैं लोग सक्सेसफुल लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। लोग इंस्टाग्राम पे शो कुछ और करते हैं लेकिन होता कुछ और है। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो मैंने S10+ ले लिया और मैं ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ, इसके पीछे का जो राज है ना, इसके पीछे का यही है, लोग शिफ्ट्स लगाते हैं 8-8 घंटे की, 16-20 आवर्स काम करते हैं, साथ में स्टडी भी मैटर करती है। अब जो सप्ली आती है उसके तो $350 चार्जेस हो गए, अदरवाइज इसके $1,500 आपको चार्जेस पड़ते थे पर एग्ज़ाम के। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो दिखता है ना उसके देख के, उसे देख के आप ड्रीम ना करना कि कनाडा की लाइफ बहुत बढ़िया है। लाइफस्टाइल अच्छी है बट उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट, बट यही बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। वो वीडियो मुझे बहुत ही दर्दनाक लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा वो वीडियो देख के, कि ऐसे भी लोग होते हैं कनाडा में। फॉर्चुनेटली मुझे जो मिले थे दोस्त, जो मेरे रूममेट्स हैं, वो एग्जिस्टिंग रूममेट्स नहीं थे। एग्जिस्टिंग रूममेट मतलब वो कनाडा में ओल्ड नहीं थे, न्यू थे, वर्क परमिट में नहीं थे। क्योंकि मोस्टली जो होते हैं ना ओल्ड लोग, वो कई बार धोखा दे देते हैं और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस लड़के के साथ क्या हुआ, जो भी हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख लेना। क्योंकि लोग राजो जैसे रहते हैं, वो कह रहा था कि मैं राजा जैसे रहता था बट यहाँ आके पता लगा कि क्या होती है ज़िंदगी कनाडा की। और उसकी मॉम भी बहुत ही रोए, उनको शॉक लगा। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल उसे 5 दिन घर से बाहर रहना पड़ा, सड़क पे रहना पड़ा, और उसकी ये न्यूज़ उसी के बेवकूफ़ दोस्तों ने दे दी घर वालों को और उसकी माँ, उसके मम्मा को। जब ये बात पता लगी तो वो शॉक में चले गए। तो गैस मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो जो उस लड़के के साथ हुआ ना, वो देख के ना मेरा दिल इतना कांप गया यार। 5 दिन 5 रातें निकालने के लिए आप भूखे पेट रहो हैं, भूखे पेट रहोगे,
अगर आप एक दो टाइम की रोटी नहीं खाते आपकी जान निकल जाएगी। यहाँ पे जो लगते हैं, जो शिफ्ट लगाते हैं ना, वो खाना नहीं खाते, खाना कम खाते हैं। बाहर से खा लेंगे पर घर में कहेंगे कि हाँ हमने खाना खा लिया। तो ये रियलिटी में बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो मैं चीज़ें मैंने नोटिस की है ना, मैं वो आपसे मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आपको हर एक चीज़ के साथ, एक चीज़ के साथ आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँ, ताकि आपको नॉलेज हो कि कैनेडा है कैसी जगह और उसके वहाँ के लोग कैसे हैं। तो कभी भी किसी पे ट्रस्ट ना करना। यहाँ पे मैं पहली और आखिरी बार और परमानेंट यही बात कह रहा हूँ, अगर आपने किसी पे ट्रस्ट कर लिया, और डिपेंड तो रहना है मत भाई, डिपेंड रह गए ना वहाँ से गए आप कहाँ पे। तो मैं ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो हुआ हादसा मुझे बहुत बुरा लगा। अगर वो भाई किचनर में होता तो मैं उसके लिए हेल्प कर देता, पर अभी उसकी हेल्प हो गई है, तो थैंक यू सो मच जो हेल्प करते हैं उसके, और थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी है ना, प्लीज़ हेल्प कर दिया करो, अगर कोई हेल्प मांगता है, ठीक है। क्या पता वो सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी थोड़े दिनों में या कुछ सालों बाद, फिर आप मुंह बनाते फिरोगे कि कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो मेरी यही सजेशन रहेगी, किसी की मदद करना ना तो दिल से करना, और उस पर एहसान न जताना उस मदद का। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को इतना बड़ा कर रहे हो आप, और मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, और मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, मुझसे मिल लिया करो यार, कॉनेस्टोगा कॉलेज में ही हूँ मैं, कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना प्यार से मिल लेता हूँ। मुझे आज भी 4-5 लोग मिले, कल भी मिले थे फेयरव्यू मॉल में, तो क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। और वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर दोज पीपल हु वॉन्ट्स माई वीडियो इन इंग्लिश, सो इट्स इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू, बिकॉज आई ऑलरेडी स्टार्टेड माई ब्लॉग, इट्स www.priyanshuvlogs.com। आप उस पर सर्च करना, ठीक है। वहाँ पर मैं, वैन आई विल मेक एनी वीडियो, आई विल डायरेक्टली राइट दैट सब टाइटल ऑफ वीडियो इन इंग्लिश इन दैट वेबसाइट, सो इट विल बी वेरी ईजर फॉर दोज हु अनेबल टू अंडरस्टैंड माई हिंदी। तो मैं यही कर सकता हूँ, और मैंने बताया भी है क्या रीज़न है, मैं पेरेंट्स के लिए बनाता हूँ। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी और ये दिल की बात ज़्यादा होगी है एज़ अ कम्पेयर टू कोई नॉलेज, आपको नॉलेज मिल ही रही होगी। अच्छी लग रही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।